हे फ्रेंड्स, आई एम रश्मि। वेलकम टू रस आर्ट क्रिएशन। काफ़ी सारे लोग न्यू ईयर में लेटर्स लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। सो आज मैं लेटर को डेकोरेट करने का आइडिया लेके आई हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेटर के लिए हम मोस्टली वाइट कलर पेपर यूज़ करते हैं। इस बार मैंने पैटर्न पेपर यूज़ किया है। तो सबसे पहले आप अपना लेटर लिख लीजिए, इसके बाद उसे 3 times में फोल्ड करना है, जैसा मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। और अब जो अपर फोल्डिंग है उसके राइट साइड पे हम ट्रायंगल में कट लगाएंगे पेपर में। अगर आपके पास पैटर्न पेपर नहीं है तो आप प्लेन पेपर यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर या स्काई ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं पैटर्न पेपर के जगह में। ओके, पेपर कट होने के बाद जिस साइड पे हमने पेपर कट किया है वहाँ हम आउटलाइन क्रिएट करेंगे। सो ब्लैक स्केच कलर यूज़ कर रही हूँ मैं आउटलाइन क्रिएट करने के लिए। और अब लेटर को डेकोरेट करने के लिए हम फ्लावर रेडी करेंगे। पेपर लेंगे, उसे 3 times फोल्ड करके उसमें फ्लावर पैटर्न कट कर लेंगे। इसे ओपन करते हुए जो पेटल्स हैं उन्हें अपने फिंगर की हेल्प से पिंच करते हुए हम फोल्ड कर लेंगे जो इसका एज है उसे, जैसा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। सिमिलरली एक और फ्लावर पैटर्न हम रेडी करेंगे और दोनों को साथ में कनेक्ट करके फ्लावर रेडी कर लेंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने थर्माकोल बॉल यूज़ किया है सेंटर में। और एक्स्ट्रा पैटर्न्स हम ऐसे ही रेडी करेंगे एंड उसे बीच से कट कर लेंगे। इसके बाद ये सभी जो फ्लावर्स हमने रेडी किया है इसे जो लेटर है उसमें फिक्स कर लेंगे ग्लू की हेल्प से। ओके, सो जब फ्लावर प्लेस हो जाए इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। और इसके साथ ही हम हाफ कट पर्ल यूज़ कर लेंगे जो बॉर्डर है उस पर। और इसी के साथ हमारा लेटर जो है वो डेकोरेट हो गया है। आप इसे न्यू ईयर के लिए या बर्थडे के लिए या स्पेशल विशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेटर डेकोरेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।